बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है टोर्नेडो राइस ऑमलेट। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो इसको मैंने कैसे बनाया वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर 1.5 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे और बीफ के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। आप इसकी जगह चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम 2 मिनट तक पकाएंगे। दो मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून नमक डाल दूंगी और इसे हम 1 मिनट तक पकाएंगे। अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच चौपकी हुई गाजरी और 2 चम्मच चौपके हुए प्याज डालूंगी और इसे हम मिक्स कर लेंगे। ऑयल थोड़ा कम था इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऑयल डाल दिया इसमें। अब मैं इसके अंदर 1 कप बॉईल किए हुए चावल डाल दूंगी और इसे मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम टमाटो केचप डाल देंगे 3 चम्मच, मिक्स कर लेंगे इसे। यह रेसिपी बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है और ये इसके खाने में इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया। मैं इसे एक गोल कटोरी में डाल लेती हूँ। मेरे पास गोल कटोरी तो नहीं थी, चौरस थी, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं इसे ऊपर से सेट कर देती हूँ सारा। इसे हमने प्रेस कर लेना ऊपर से। अब मैं सर्विंग प्लेट ले लूंगी और इसके ऊपर मैं चावल डालूंगी और इसको मैं गोल शेप दे देती हूँ चम्मच की मदद से। ये देखें इस तरीके से। ये देखिए इसको मैंने गोल शेप दे दी है। अब मैं एक कटोरी लूंगी, इसके अंदर 2 अंडे तोड़ के डाल दूंगी। आप चाहें तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ और इसे हम फेंट लेंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे, इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे 1 चम्मच और अब हम इसके ऊपर अंडा डाल देंगे। और स्टिक्स की मदद से हम इसके ऊपर टोर्नेडो की शेप दे देंगे। आप इस तरीके से परफेक्ट टोर्नेडो बना सकते हैं। अब हमें इसे जो हमने चावल बनाए थे उसके ऊपर डाल देंगे ऑमलेट को और साइड पे हम टोमेटो केचप डालेंगे। और चिकन को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, ये हम इस साइड के साइड पे रख देंगे इसके। मैं आपको देखें तोड़ के दिखाती हूँ इसको। देखिए देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। देखें बिल्कुल परफेक्ट बना ये। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ वाले बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।